ಎಲ್ಲರಿಗೂ. यहाँ इधर खड़ा हो तू, इसको अभी थोड़ा सा इसका डेमो दे देना. कहाँ से दिखेगा ये? यहाँ से. ये मशीन है ना. दोस्तों नमस्कार, आज हमने पिपलोदा के लिए सैनिटाइज़र मशीन बनाई है. समर्पण ने और समर्पण की बहन ने, समर्पण के दोस्त ने मेरी गाइडलाइन पर सारा सहयोग इनका रहा बच्चों का. और आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज एक सैनिटाइज़र मशीन का निर्माण किया है. ये सैनिटाइजर मशीन आपके सामने, हम उसी के अंदर ही हैं अभी. आप देख सकते हैं पूरा ये एक चैम्बर बना हुआ है. इस चैम्बर के अंदर हम हैं. ये समर है आपका. हाँ, ये मशीन लगी हुई है पूरी. आप इस मशीन को अभी हमें चालू करके दिखाता हूँ. ये पिपलोदा के अंदर हमने नगर पालिका को, हमारे पिपलोदा के जो भी यहाँ के नगर के नागरिक हैं उन लोगों को देने के लिए ये बनाई है. तो समर इसको चालू करें थोड़ा सा. ये आप देखिए, ये मशीन चालू हो रही है. ये मशीन है, इसका प्रेशर भी हमने इसको सेटअप किया है. कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. अभी पूरी तरीके से ये हम पानी से चला रहे हैं. अभी जब ये नगर पालिका के हम उसको डोनेट कर देंगे तो ये पूरी तरीके से नगर पालिका उसको अपने हिसाब से चलाएगी. पूरा सप्लाई दिया हुआ है इसका व्यवस्थित तरीके से. ये आप देख सकते हैं, ये मशीन का पूरा चैम्बर है. ये समर ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से. यहाँ पर सबको हमने थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है. इसके अंदर ये चालू हो गई है. ये पूरी निकलो, थोड़ा रुको. हाँ, थोड़ा एक दो सेकंड रुकना है. हाँ बस ये प्रेशर. चल सुजल निकल, सुजल निकल 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 निकल. तो ये इस प्रकार से ऑपरेट हो रही है मशीन. बहुत अच्छे फुहारे बन रहे हैं. समर ऑपरेट कर रहा है इसको. ये हमारे पिपलोदा का इन्वेंशन है. आज हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन थोड़ी परिस्थितियाँ, समय और सामान लॉकडाउन के कारण मिल नहीं पाया. थोड़ा आज हमने जैसे तैसे अरेंजमेंट किया है. ये मशीन तैयार है आपकी. इसे हम बहुत जल्दी आज सुबह या शाम तक उसको हम नगर पालिका को हम दे देंगे. ये पूरा आप देख रहे हैं मशीन. इसमें थोड़ा सा हम घोल डाल दिया, हल्का सा डाला है हमने सैनिटाइजर का, ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो इतना महंगा है कि हमको भी मिल नहीं पा रहा है. लेकिन हमने कम से कम आस पड़ोस वालों को सैनिटाइज़ तो कर ही दिया. पानी की मात्रा ज़्यादा है लेकिन सैनिटाइज़ की मात्रा भी कम है हमारे इसमें, पर कर दिया सबको हमने, बिल्कुल प्योर कर दिया. ये मशीन आप देख सकते हैं, इसको बनाने में लगभग हमको एक दिन लगा है. और दूसरा कि इसमें हमारे छोटे बच्चों का बहुत सहयोग रहा है इसमें, समर्पण का, उसके दोस्त का, सबका. आप देख सकते हैं बढ़िया से चल रही है. हमारे बिल्कुल फॉग बन रहा है इसमें. समर कम करना चाल इसकी, बिल्कुल ऑपरेट चाल कम करना. ये चाल भी कम हो जाती है बिल्कुल, इसके फुहार कम हो जाते हैं. आप चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं, हर तरीके से उसको ऑपरेट कर सकते हैं. इसमें हमने अलग अलग प्रकार के मैनुअल डाले हैं. अब थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मैं सामान ला नहीं पाया हूँ, वरना इसको ऑटोमेटिक बनाने का विचार था पूरा मुझे. अब थोड़ा सा बीच में अगर कभी रिलीफ मिलेगा तो मैं इसी मशीन को ऑपरेट करूँगा. मुझे उम्मीद है यह मशीन आपको अच्छी लगी होगी. थोड़ा इसको स्पीड बढ़ाओ, फिर हल्की सी बड़ा. शाबाश, बढ़िया 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 बढ़िया, बेहतरीन. ये फॉग देखिए आप, शानदार तरीके से ये चल रहा है. थोड़ा निकलो इसके अंदर, इसका उपयोग करो. ये देख सकते हैं आप, ये हमारी फॉग मशीन, पूरी सैनिटाइज मशीन चल रही है. इसमें पूरा मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से फॉग बन रहा है. ये हमारी जो मशीन का मैन्युफैक्चरिंग है, रश के हिसाब से भी आप इसको चाहें तो 5 सेकंड में 3 लोगों को आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं. आप आराम से इसके अंदर रुक भी सकते हैं, इसकी चाल कम कर सकते हैं, आराम से इसका एंजॉय कर सकते हैं. बेहतरीन तरीके से बनाई है. अब आप इसको बताइए कैसे लग रही है आपको ये. ये हमने बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में बनाई है कि सामान ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके इसको बना लिया है. ये हमारे
पिपलोदा के लोगों के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, इसको आप एंजॉय करें। ये कल से मैं पिपलोदा नगर प्रशासन जहाँ भी लगाना चाहे लगा सकता है, मैं उसको पूरा सहयोग करूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी दे करके इसको ऑपरेट करना चाहूँगा पूरे दिन। ये पूरा सिस्टम चल रहा है इसका, थोड़ा बढ़ाओ इसका, ज़्यादा मत बढ़ाओ, हल्का सा बढ़ाओ, दिखना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये फॉग बन रहा है इसका, बढ़िया सा। अब मैं थोड़ा अंदर ले जा सकता हूँ कि मोबाइल गीला हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, और इसकी साइज़ भी लगभग 6 फीट से ज़्यादा की है, 7 फीट है। व्यक्ति कम से कम 3 कदम तो अंदर रख ही सकता है, वो रुक सकता है। अगर रुक जाए तो 2 सेकंड अगर रुकेगा तो भी पूरी तरीके से वो अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज़ कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम पिपलोदा के लिए, मेरे यहाँ के नागरिकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा कोरोना को लेकर के कुछ रिलीफ मिल सकती है इससे। ये फॉग है आपका, इसका मतलब सबसे ज़्यादा देखो सैनिटाइज़र में, मशीनों में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फॉग, जो उसका धुआं बनता है, उसका जो बादल बनता है वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा मुझे परेशानी है। लेकिन उस परेशानी में भी हमने कुछ किया है, कोशिश करी है छोटी सी। आप देख सकते हैं फॉग अच्छा सा उड़ रहा है इसमें, ये बच्चे इनकी मेहनत है, देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन सा एक बादल बन रहे हैं अंदर, देखिए आप। देख सकते हैं आप, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमने बनाई है और ये सक्सेस रही। सबसे अच्छी बात यह है कि बनने के बाद सक्सेसफुल रही, कम से कम ये वर्क कर रही है हमारे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत करी और ये सारा सामान लगाया करा और छोटे बच्चों ने जो एक मेहनत करी है साथ में, वो सब कहीं गड़बड़ हो जाए, लेकिन सब ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही और ये बढ़िया से चल रही है अच्छे से। मुझे लगता है कि अगर इसको आप कंटिन्यू 1 घंटे चलाएंगे तो मेरे ख्याल से आप 1 घंटे में ही लगभग मान के चलें आपके 6×6=36 मतलब आप कम से कम 200 लोगों को तो आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं 1 घंटे में। और रश के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, इसकी स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो 1 घंटे में कम से कम आप 400 से 500 लोगों को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। लेकिन रश के हिसाब से अगर आप चाहें तो बहुत स्लो भी कर सकते हैं, आराम से व्यक्ति इसके अंदर 10 सेकंड भी गुजार सकता है, अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज़ कर सकता है। बस यही है कि इसका आनंद लीजिए आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम आप मेरे साथ में हैं। ये बहुत रेयर कंडीशन में बनाई है दोस्तों, मैंने मतलब उम्मीद नहीं थी कि बन जाएगी, लेकिन हमने जब शुरुआत करी तो शुरुआत का तो पता है आपको, जब शुरुआत ही कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे वो चलें, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ उसके बाद में। तो शुरुआत करने के बाद तो वो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, आपको भी पता है, आप भी उस चीज़ को मानते हैं कि शुरुआत करना ही कठिन होता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा लगा मुझे कि यार पता नहीं कहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे से बनी है। किरण इसके अंदर से 3 राउंड लेके जाओ, मतलब 3 सेकंड तक रुक के चारों तरफ घूम के, चारों तरफ घूमो, शाबाश, हाँ बस सब, तुम भी निकलो, समर निकल पूरे तरफ तो घूमो, हाथ ऊँचे करके बगल बगल सब, हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ, ये शाबाश, ये देख रहे हैं, ये समर आनंद ले रहा है, ये समर की मेहनत भी रही है, सबका रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों बस ये मशीन अब आपके सुपुर्द है, मेरे पिपलोदा नगर पालिका को, नगर परिषद को, मैं कोशिश करूँगा कि सब लाभ ले इसे, क्योंकि मैं खुद वहाँ रहना चाहूँगा। और जहाँ तक अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, मैं खुद भी आगे रह करके और भी इस चीज़ को आगे बनाना चाहूँगा और व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर एक समय और सामान की थोड़ी सी परेशानी आ रही है मुझे, वरना मैं इसको ऑटोमेटिक बनाने के मूड में था कि आप अंदर एंट्री लें और आपका फॉग चालू हो और आप जितनी देर रहें उसके बाद निकलते ही बंद हो जाए। ये तो बहुत हमने बहुत जल्दबाजी बना ली, तकरीबन 1 दिन में इसको बना लिया हमने, लेकिन जब ऑटोमेटिक बनाएंगे तो उसका एन्जॉयमेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिक में अंदर लाइटिंग लगाएंगे, फिर उसका बहुत सारा जो एक सिस्टम होता है वो भी हम करेंगे। दादा निकलो एक बार और वीडियो पर, ये हमारे जगदीश जी, हाँ हाँ ऐसे ऐसे
तो सैनिटाइज होने के लिए जाएंगे हमारे जगदीश जी हैं ये ऐसे बगल बगल सारे ऐसे आराम से हाथ ऊंचा करके निकलना। हाँ निकलो। देखिए ये हमारे पिपलोरा के हैं। हाँ ये कैसा लग रहा? बढ़िया। तो ये इस तरीके से आनंद ले रहे हैं। अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा हमारा। हम सुबह से कम इसको 2-3 घंटे से चला रखा है हमने। इसको पानी भी बहुत कम यूज़ हो रहा है इसके अंदर, इतना नहीं है क्योंकि इसके अंदर एयर इतनी बना दी हमने कि वो जितना भी आप पानी कम से कम रख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशर के साथ लग जाए। वो देख सकते हैं इसके अंदर कहीं से कहीं तो अच्छा। फिर ये बहुत हल्की भी है। आप इसको कल मैं इसको रखूँगा तो ज़्यादा कोई लगे नहीं का, इसको 2 जने उठा के रख देंगे कहीं भी ले जाकर, क्योंकि हमने इसको इतना बड़ा तामझाम बनाया नहीं क्योंकि अभी समय है नहीं लोगों के पास में और सभी व्यस्त हैं और सारा मामला लॉकडाउन की वजह से इतना है नहीं कि कोई किसी की हेल्प करे। तो अभी सब हमको ही करना है, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा इसका एक लाइट वेट बनाया है। मुश्किल से इसका 5 किलो या 7 किलो वज़न नहीं होगा। हम इसको उठा के अकेला भी इसको कोई जा सकता है इसको। तो ये फॉग बहुत अच्छा सा बन रहा है। अभी थोड़ा सा और अंधेरा हो रहा है तो अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा इसके अंदर बादल टाइप लग रहा है। हाँ ये बाली थोड़ा अंदर घूम के, हाँ ऐसे, हाँ बस बस शाबाश। ये सब लाभ ले रहे हैं बच्चे भी बड़े खुशी। कम से कम मुझे इस बात का थोड़ी सी खुशी है कि मेरे आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं ये मेरे पिपलोदा के, ये सभी लोग जो हैं इस बात को मानते हुए कि अपने को स्वस्थ बनाएंगे। ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप इस चीज़ को देखें, आप सराहें कितना अच्छा बना है। क्या अगर अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं मुझे थोड़ा सा बताएं ज़रूर। अब ये बहुत ही हमने गरीबी में करा है क्योंकि गरीबी से मतलब वो पैसा बनाने की कास्ट की नहीं है, उसके अंदर समय की गरीब, हमारे पास समय नहीं था और समय के साथ साथ कहीं जा कर के सामान भी नहीं ला सकते थे। ये तो सब हमारा सामान जुगाड़ से हमने कर लिया और करने के बाद जैसे तैसे इसको फिटिंग करके समय की मांग को पूरा कर लिया। क्योंकि जब तक लॉकडाउन है इतने तो संभव ही नहीं कि हम कहीं चले जाएँ। अब ये जब तक दुकानें नहीं खुलेगी, अब ठीक है देखते हैं लॉकडाउन कब तक रहता है, उसके बाद आगे की क्या कंडीशन है ये आगे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कभी भविष्य में लॉकडाउन बढ़ता है या कुछ होता है या जो भी परिस्थितियां सरकार की तरफ बनती है तो मैं उम्मीद करूँगा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बना करके मैं आपके सामने रखूँ। ये इस तरीके से आज हमारा हमने टाइम पास करा है। हम तो कभी से सोच रहे थे कि इसको पहले से बना दें, लेकिन चक्कर क्या हुआ कि एक तो सामान और दूसरा फिर हमको उसको बनाने की ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं मिली। लेकिन हमारा एक हमने फिर स्पेस बनाया, इसको स्पेस बनाने के बाद इसको तैयार किया और तैयार करने के बाद फिर इसको जैसे तैसे धीरे धीरे हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा फॉग बन रहा। तो ये जो सारी चीज़ें मिला जुला एक सम्मेलन बना लिया है छोटा सा आपने। आप भी अगर इसका आनंद लेना चाहें तो अभी तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन जब भी लॉकडाउन थोड़ा सा लगे या अभी तो वो सारी बात मैं कर भी नहीं पाऊँगा, कारण क्या है लॉकडाउन खुलना नहीं है और आप इसका लाभ ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो मेरे पिपलोदा के लिए है। जब भी ये रिलीफ मिलती है, गवर्नमेंट देती है सब्ज़ी लाने के लिए या दूध लाने के लिए या जो बीच में, तो ये गांव वाले उस समय इसका उपयोग कर पाएंगे क्या। तो ये हाँ आ जाओ बेटा, सैनिटाइज करो अपने आप को, ये थोड़ा घूमना अंदर। ये बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है इनको, क्योंकि इन सबको मैंने आज सैनिटाइज कर दिया है पूरी तरीके से। थोड़ा डिस्टेंस बना के हैं बेटा, थोड़ा दूर दूर रह के, थोड़ा 6-7 फीट की दूरी बना के अंदर से आओ। हाँ बच्चे बड़े खुश, हाथ ऊँचे करके घूमो, हैं शाबाश बस निकलो। थोड़ा हाथ किसी के टच नहीं करना अपने को, है बेटा सब अपने अपने दूर दूर रहो। सब बच्चे बड़े खुश हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे परमिशन चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बने इस मशीन का। ये छोटी सी बालिका देखो हमारी, ये सब लाभ ले रहे हैं सभी। इन सबको आज कम से कम मैंने अपनी तरफ से ये सैनिटाइज कर दिया है, मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपका दोस्त गणेश मालवी, अगली बार अगर कुछ अच्छा मौका मिला है तो फिर ज़रूर मैं आपको मशीन के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।